उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज क्लास 5 की बुक के साथ हाजिर हूँ, जिसका एक चैप्टर एक लेसन है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। बच्चों आपको याद होगा कि पहले हम वर्सनिंग MCQs और इसके 2 क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, तो चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से क्या कहा और उनके ये कहने की वजह क्या थी। इसका जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से कहा, अब जो कहा है वो वाबेन में लिखेंगे, देखिए, तुम लोग उन्हें कश्ती से निकाल दो, इस तरह शायद तुम्हारी कश्ती बच जाए। ये उनके वर्ड थे, तो उनको उनके वर्ड हमने वाबेन में लिखे। आगे देखिए क्या है, उनके कहने की वजह ये थी कि वो सोच रहे थे कि मैं ही तो वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के उनके बगैर बस्ती छोड़ दी। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कश्ती वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरा में निकालने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर क्यों तैयार नहीं थे। इसका जवाब है, कश्ती वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम 2 बार कुरा निकालने पर भी उन्हें पानी में फेंकने पर इसलिए तैयार नहीं थे कि क्योंकि उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो लिखिए और इसका मफहूम लिखिए। नंबर जवाब जो जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो आप अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी आयत करीमा कहलाती है। कुरान में सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 यानी 87 में इसका जिक्र आया है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब मैं आपको डायरी देती हूँ कि क्या देंगी डायरी। ओके स्टूडेंट, देखिए पेज नंबर 22 है, हमारे तमाम सवाल हो चुके हैं। 5 पहले 2 करवाए थे, आज 3 करवाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है इंतज़ार, दूसरा हुक्म, तीसरा इनकार, महसूस, तवज्जा, तामील। इंतज़ार का जुमला क्या बना सकते हैं कि मुझे अपने नतीजा यानी रिजल्ट आने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना चाहिए। इनकार, हमें अपने बड़ों को किसी भी काम से इनकार नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस आपको कॉपी में करने हैं। पहले क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर सेंटेंसेस होंगे। ओके स्टूडेंट, मैं डायरी दे रही हूँ, आइए। क्लास 5 की आपकी उर्दू की डायरी है, जो होमवर्क क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं ब्लैक बोर्ड पे, प्लस वर्ड सेंटेंसेस जो भी मैंने आपको बताया, इंतज़ार, हुक्म, इनकार, फ्रॉम बुक पेज नंबर 22। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों, अपने बहन भाई और सबका ख्याल रखिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।